लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। केजरीवाल सरकार अब उन सभी वादों को पूरा करने में लगी है जो उन्होंने जनता से किए थे। सबसे बड़ा वादा राजधानी में 3 लाख CCTV लगवाने का था जो शुरू हो चुका है। रविवार को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में 2000 CCTV कैमरे लगाने के काम का शुभारंभ किया। ईस्ट विनोद नगर में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि CCTV लगाने का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह से क्राइम लगातार बढ़ रहा है और विशेषकर महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, उसमें दिल्ली सरकार की भूमिका यही हो सकती है कि चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे लगाए और उनको इस तरह से उनको एक्टिव करे कि RWA के हाथ में, पुलिस के हाथ में उसकी लगातार फीड हो। 50 दिन में दिल्ली में CCTV लगाने का काम पूरा हो जाएगा। राजधानी को क्राइम मुक्त बनाने के लिए केजरीवाल का ये सबसे बड़ा वादा था, लेकिन इसको लेकर BJP और आम आदमी पार्टी के बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है। दरअसल शनिवार को ईस्ट दिल्ली से BJP सांसद गौतम गंभीर ने एक वीडियो ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने अपने इलाके में महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगवाने शुरू कर दिए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने नाम लिए बिना CM अरविंद केजरीवाल के वादों पर सवाल उठाए, जिसके बाद दोनों पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर हमलावर हो गए। गंभीर के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए आप नेता सोमनाथ भारती ने ट्वीट कर पूछा कि क्या आप इस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को संबोधित करेंगे? एक बात और, ये जो 3 कैमरे आप लगवा रहे हैं वो सांसद निधि से हैं या अभी अभी वर्ल्ड कप में मिले कमेंट्री से कमाए गए धन से लगवा रहे हैं? आपके नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर विकास योगी ने लिखा कि गजब हो सांसद भाई, कमेंट्री करते करते इतना झूठ कैसे? अभी अभी सांसद बनने की शपथ ली है और इतनी जल्दी फंड भी आ गया, टेंडर भी हो गया और कैमरे भी लग गए। आपके कई कार्यकर्ताओं ने गंभीर पर इसी तरह के सवाल उठाए और पूछा कि वो किन किन जगहों पर कितने कैमरे लगवा रहे हैं और उसके लिए उन्हें फंड कहां से मिला है, जिसका गौतम गंभीर ने एक चिट्ठी शेयर करते हुए करारा जवाब दिया। सरजी की गैंग के मेरे सभी प्रिय दोस्तों, जो कल रात को डिनर से लेकर आज सुबह के नाश्ते तक कई तरह की षड्यंत्रकारी कहानियां रच रहे थे, वे ये अटैचमेंट देख लें। मैंने CCTV लगा रही कंपनी से अनुरोध किया था, जिसके बाद कंपनी स्वेच्छा से इलाके में कुछ कैमरे लगा रही है। लेटर में कंपनी ने ईस्ट दिल्ली में 50 कैमरे अपनी तरफ से लगाने की बात कही है। सियासत के बीच अच्छी बात ये है कि कैमरे लगने से राजधानी में अपराध में कमी आएगी और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन में जिस तरह से दिल्ली में अपराध की घटनाएं सामने आई हैं, उससे चौतरफा सवाल खड़े हो रहे हैं। मेहरोली और वसंत विहार में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।